क्या कारण है कि इस बार चुनाव में उनको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के ही सामने। ये चर्चा पुष्कर पूरे विधानसभा में चल रही है कि आप निर्दलीय का पर्चा तो दाखिल कर देंगे लेकिन नाम वापस ले लेंगे, तो 9 तारीख के बाद अगर आप नहीं बैठे तो कांग्रेस और बीजेपी को पटखनी दे देंगे इस बार। कांग्रेस से बागी तो खिलाएंगे ना सर, जब निर्दलीय पर्चा भरेंगे तो आपके सामने लड़ाई जो होगी वो कांग्रेस बीजेपी और आरएलपी तीनों के साथ ही होगी ना, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल होगी। इंटरनेशनल ब्रांड एंड स्मार्ट वॉचेस कलेक्शन विद ग्रेट ऑफर्स एट मिनट्स टू स्टाइल स्टेशन रोड अजमेर। पुष्कर विधानसभा में घूमते घूमते हमको इस बात का भी पता चला कि इस बार कांग्रेस के ही पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी नसीम अख्तर को बनाया है लेकिन अब कांग्रेस के खिलाफ जाकर डॉक्टर गोपाल बाहेती जो हैं वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 6 तारीख को नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर रहे हैं और इसीलिए इस वक्त हम डॉक्टर गोपाल बाहेती के दफ्तर में मौजूद हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा में ये दफ्तर है इनका, शुरू से यहाँ पर चलता आता है क्लिनिक है डॉक्टर साहब की, यहाँ पर मरीजों का इलाज भी करते हैं ये, और उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं क्या कारण है कि इस बार चुनाव में उनको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के ही सामने। सर क्या कारण रहा जो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि मैं चुनाव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ एज ए निर्दलीय प्रत्याशी, जनता का प्रत्याशी, पुष्कर का प्रत्याशी। मैंने टिकट मांगा, पूरा प्रयास किया, सर्वे में ऑब्जर्वरशिप सब में मैंने भाग लिया, मेरा हक बना, लेकिन उसके बाद जो पॉलिसी थी हाईकमान की मुझे टिकट नहीं मिला। जनता का इतना दबाव था, जनता का इतना विश्वास था कि मैं उसका कायल हो गया और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, पुष्कर के प्रत्याशी के रूप में, जनता के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूँ। कांग्रेस से बागी तो खिलाएंगे ना सर, जब निर्दलीय पर्चा भरेंगे तो आपके सामने लड़ाई जो होगी वो कांग्रेस बीजेपी और आरएलपी तीनों के साथ ही होगी ना, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल हुई। आप कल्पना करो यार, जिस व्यक्ति का 50 साल का कांग्रेस का करियर है वो बागी हो जवान लड़ेगा, ये आदमी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। जनता का दबाव नहीं होता तो शायद मैं फैसला नहीं करता, लेकिन जनता के दबाव के आगे मैं नतमस्तक हूँ और मेरा जो करियर है, मेरी जो पूंजी है, मेरा जो बैंक बैलेंस है वो जनता ही है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अशोक गहलोत के बहुत करीबी आप माने जाते हैं, समर्थक नेता भी हैं उनके, इसीलिए ये चर्चा पुष्कर पूरे विधानसभा में चल रही है कि आप निर्दलीय का पर्चा तो दाखिल कर देंगे लेकिन नाम वापस ले लेंगे, कितना सच है? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे पुष्कर क्षेत्र की जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव में खड़ा हूँ और जनता का जब तक पूरा समर्थन रहेगा मैं खड़ा रहूँगा। मेरा पर्चा केवल वापस कब हो सकता है कि जब जनता नहीं चाहेगी, अदरवाइज मैं जनता का, जब मैंने कह दिया आपको मैं जनता का कैंडिडेट हूँ तो मेरे हाथ में फैसला कैसे हो सकता है। और मैं आपको भी दावा देता हूँ कि कल मैं जब पर्चा दाखिल करूँ सुबह 9:30 बजे तो आप भी अपने साथियों सहित पुष्कर आओ, आप देखो और आप भी अपनी राय मुझे दो कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरी आप उसे मदद करो। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका अपना कोई एजेंडा नहीं है, जिसकी अपनी कोई राजनीति नहीं है, मेरी राजनीति सेवा की है, समर्पण की है, सद्भाव की है और गांधी दर्शन की है, उसी में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। गांधीवादी नेता आप हैं और अशोक गहलोत के कहने पर आपने गांधी के विचारों को फैलाने का काम भी किया, इस बार कौन कौन से मुद्दे ऐसे पुष्कर विधानसभा में आपको लगते हैं जो बड़ा चुनावी एजेंडा बनने वाले हैं, मुद्दा बनने वाले हैं, लोगों को पसंद आने वाले हैं? पुष्कर सरोवर में गंदा पानी नहीं जावे, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि पुष्कर सरोवर लाखों लाख हिंदुओं का आस्था का स्थान है। उसी प्रकार से जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सड़क का, घाटों का, प्लांटेशन का, अच्छे पार्क का, डेवलपमेंट का, पुष्कर का पूरा विकास हो, पुष्कर क्षेत्र के अंदर मेडिकल की, एजुकेशन की अच्छी सुविधा हो और पुष्कर क्षेत्र के किसान को अपने खेत पर क्वालिटी की बिजली मिले, ये बहुत ज़रूरी है। पुष्कर के हर गांव में
हर घर जल पहुंचे यह आवश्यकता है। मैंने आज जैसा बताया कि मेरा एजेंडा जनता तय करती है, मेरा जो MLA फंड होता है वो जनता खर्च करती है, वो मैं खर्च नहीं करता हूँ, वही खर्च करती है। और मैं सभी कौमों को, सभी धर्म को, सभी वर्ग को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, सिख ईसाई नहीं करता, जैन फारसी बौद्ध नहीं करता, सब मानव मात्र है और सब जनता है, सब दोस्त हैं, सब यार हैं, सब भाई हैं, सब बहन हैं। तो 9 तारीख के बाद अगर आप नहीं बैठे तो कांग्रेस और BJP को पटखनी दे देंगे इस बार? मेरा चुनाव पुष्कर की जनता लड़ रही है, जीतेगी जनता, उसे मुझे गर्व नहीं है मैं जीत रहा हूँ, जनता जीतेगी, क्षेत्र जीतेगा, पुष्कर राज जीतेगा, वहाँ के लोग जीतेंगे, वहाँ का वर्कर जीतेगा, वहाँ का मतदाता जीतेगा और वहाँ की आबोहवा जीतेगी। चूँकि मैं पुष्कर का जन्मज आया हूँ, वहीं मेरा पैतृक गांव है पुष्कर के पास कड़ेल, मैं वहीं का हूँ। और मैं तो एक आपके चैनल के माध्यम से और अपील करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हम चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर नहीं बटें, व्यक्ति देख के वोट दें, काम देख के वोट दें। हम ऐसा नहीं करें कि साहब आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, सब भाई भाई हैं। जब हम संविधान मानते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता मानते हैं, जब हम जाति भिन्न समाज की बात करते हैं, तो ये बात बिचवानी नहीं चाहिए। इसके बाद भी यदि एक भी व्यक्ति आके मुझे कह दे कि डॉक्टर भाई ने हमसे दुर्व्यवहार किया, हमसे पैसे खाए, हमसे पैसे मांगे, ये हमारे काम में सहयोग नहीं किया, मैं उसी टाइम अपने आप को विड्रॉ कर लूँगा। मैंने जैसा आपको बताया, मैं चुनाव अपने लिए लड़ता हूँ, मैं चुनाव लड़ता हूँ जनता के लिए और क्षेत्र के लिए। भाजपा के प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा तो कर दी है लेकिन वो सिर्फ कागजों में है, नंबर एक। नंबर दो उनका ये कहना है कि वो पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा जी के मंदिर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और अब की अगर वो जीत के आएंगे तो केंद्र सरकार से उसके लिए बड़ा बजट भी लेकर आएंगे। सुरेश रावत जी ये बता दें कि वो 10 साल से MLA हैं और 5 साल मंत्री भी रहे हैं, 5 रुपये भी सरोवर की सफाई के लिए लगाए क्या अपने फंड में से या सरकार के पैसों में से लगाए, वो बता दें। वो अब मैं खुली बहस करने को तैयार हूँ। अभी धर्मेंद्र राठौड़ जी ने अशोक गहलोत जी से 500 करोड़ रुपए कह रहा हूँ, 500 करोड़ रुपए पुष्कर के विकास के लिए लाए हैं, काम चालू हो गया है, प्राधिकरण चालू बन गया है, वो काम चालू हो गया है। चूँकि आचार संहिता जल्दी लग गई, उसका पूरा गठन नहीं हो पाया, लेकिन प्राधिकरण में जो अधिकारी है वो काम कर ही रहे हैं। और 500 करोड़ की रकम कम नहीं होती है। हमारा सपना है कि हम पुष्कर को अयोध्या, महाकाल, वाराणसी उस तरह ले जाएँ, क्योंकि पुष्कर एकमात्र तीर्थ स्थान है जो पूरे हिंदुओं का, पूरे विश्व में एक है। इसलिए हम इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। और फिर वो ये भी बता दें रावत साहब कि मोदी जी जब भाषण देने आए थे अजमेर में और कैर में उन्होंने भाषण दिया था, ब्रह्मा जी का दर्शन किए थे, ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद अपने मुंह से वो यही कहते थे कि मैं ब्रह्मा मंदिर का सौंदर्यीकरण करूँगा, इसका रखरखाव करूँगा, इसके मरम्मत कराऊँगा, यही बोलते थे। जबकि कांग्रेस के राज्य में ब्रह्मा मंदिर में रिपेयर का काम चालू हो गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ये मेरा आपको निमंत्रण है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।